हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी आफ्टर सेकेंड राउंड काउंसलिंग, कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज में कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं जिनमें कि आप थर्ड राउंड काउंसलिंग करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें, एंड डाल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद आपके लिए एक वीडियो आएगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज में कितनी कितनी सीटें लगभग अवेलेबल हैं, जिससे कि आप जब थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए कॉलेज लॉक करें तो आपको कोई भी असुविधा ना हो और आसानी से आपको कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट आपकी रैंक और सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे तीन इम्पॉर्टेंट कोर्स के बारे में, जिसके पहले का नाम है डिप्लोमा इन फार्मेसी, दूसरे का नाम है LT यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, तीसरे का नाम है एक्सरे टेक्नीशियन। तो तीनों की सबसे पहले बात करेंगे कि इनमें कौन कौन से कॉलेज और कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे कम अगर सीटें अवेलेबल हैं तो वो हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। डी फार्मा में फ्रेंड्स सबसे कम सीटें अवेलेबल हैं। अगर किसी कॉलेज में 60-75 सीटें हैं तो मुश्किल से 2 सीटें 3 सीटें 4 सीटें, मतलब 1 सीट से लेकर 4 सीट तक ही अवेलेबल है, ज़्यादा सीटें अवेलेबल नहीं हैं। बहुत ऐसे कॉलेज हैं जिनमें कि पूरी भर चुकी हैं, लेकिन लगभग सभी कॉलेजों में सीटें अवेलेबल हैं, किसी भी कॉलेज में लगभग फुलफिल्ड नहीं हुई हैं। तो फार्मेसी की बात अगर करें तो फार्मेसी में 1 सीट से लेकर 3-4 सीट तक अवेलेबल है, सबसे कम इसी फार्मेसी में ही अवेलेबल है, क्योंकि फार्मेसी का स्कोप सबसे ज़्यादा है। स्टूडेंट जिसकी भी रैंक अच्छी होती है, कम होती है, सीरियल नंबर कम होता है, तो वो सबसे पहले फार्मेसी ही लॉक करता है। अब बात करते हैं सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिप्लोमा के बारे में, जिसका नाम है डिप्लोमा इन LT टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन की अगर बात करें तो लैब टेक्नीशियन में 2 सीट से लेकर 5 सीट अभी भी अवेलेबल है, यानी 2% से लेकर 5% तक अभी भी सीट अवेलेबल है किसी भी कॉलेज में। एक आध कॉलेज छोड़ दे जिनमें कि 25-25 या 20-20 सीटें थी EWS कोटा लागू होने से पहले, जिनमें कि 25-25 और 30-30 सीटें हो गई हैं, 40-40 सीटें हो गई, तो उनकी अगर बात छोड़ दें तो लगभग सभी में उनमें एक एक सीट अवेलेबल है, दो अवेलेबल हैं। लगभग काफ़ी कॉलेजों में 2 सीट से लेकर, LT की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स मैं, 2 सीट से लेकर 5 सीट अभी भी DMLT में आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात की, जिनमें कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, उसका नाम है एक्सरे टेक्नीशियन। क्योंकि फ्रेंड्स, एक्सरे टेक्नीशियन जिन स्टूडेंट को पहले भी मिला है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी मिला है। एक बात और फ्रेंड्स आप ध्यान कर लें कि इसमें सीटों की संख्या लगातार बढ़ जाएगी, जितना मैं बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो मोबाइल पर एक्टिव नहीं रहते हैं, सूचनाओं से संदर्भ में एक्टिव नहीं रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें पहले भी कॉलेज मिला, उन्हें ट्रांसफ़र करा लिया, सेकंड में भी उनका हो गया, अब अगर वो एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं या किसी भी चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उन्हें ये नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं चल पाता और वो एडमिशन नहीं लेते हैं, एंड जब थर्ड राउंड काउंसलिंग का बात आती है तो उनका लॉक नहीं हो पाता। तो इससे ज़्यादा भी सीटें अवेलेबल आपके लिए रहेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट अवेलेबल है एक्सरे टेक्नीशियन में, 5 सीटों से लेकर 15 सीट तक अभी भी अवेलेबल हैं एक्सरे टेक्नीशियन में। यही कारण है कि फ्रेंड्स लगातार जिन स्टूडेंटों में लिखा आ रहा है कि 9 सीट अलॉटेड एज पर योर रैंक एंड, उन स्टूडेंट में लगातार मैं उनके लिए यही कह रहा हूं कि आप एक्सरे में, अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप एक्सरे में ट्राई कीजिए, अगर कोई भी कॉलेज या डिप्लोमा आपको चाहिए तो एक्सरे में सबसे ज़्यादा प्रॉबिबिलिटी रहती है सिलेक्शन की, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की। तो फ्रेंड्स आप कन्फर्म रहें कि जो जिन्होंने फर्स्ट सेकेंड राउंड काउंसलिंग में ट्रांसफ़र करवाया है और वो उन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, मतलब 1 फरवरी तक, तो उनका फाइनली कैंसिल हो गया है, तो जितनी सीटें अभी मैंने आपको बताई हैं LT में, आपको बताया 2 सीट से लेकर 5% तक, यानी 2 से 5 सीटों तक, एक्सरे में आपको बताया 5 से 15 तक,
और फार्मेसियां में आपको बताया 1 सीट से लेकर 3 सीटों तक इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो आप कन्फर्म रहें कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसके संदर्भ में आपके पास डिटेल वीडियो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, कन्फर्म रहें कि जिन स्टूडेंट में लिखा रहा है 9 सीट अलॉटेड एज पर योर रैंक एंड चॉइस लॉग्ड है, उनमें अभी भी उनके लिए चांस बना हुआ है। सबसे ज़्यादा चांस उनमें एक्सरे का है। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी आप सीट लॉक करें अपनी मर्जी से ही करें, क्योंकि करना है आपको, हम आपको दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि लगातार स्टूडेंट कमेंट कर रहे कि पता नहीं थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा। तो ये कन्फर्म है, इतनी सीटें अवेलेबल हैं, तो आपके लिए थर्ड राउंड काउंसलिंग जरूर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए सिलेबस क्या है। सारे डिप्लोमा कोर्सेज का सिलेबस मैं आपको 1x1 करके उपलब्ध कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।